तो अभी हम खड़े हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और अब मैं यहाँ से निकलूँगा आगरा। मैंने स्लीपर बुक किया है दोस्तों, जिसका प्राइस है 225 रुपये और इसकी जो टाइमिंग है लखनऊ से वो है 11:35 की और ये मॉर्निंग में हमें 5:10 पे ये हमें आगरा पहुँचा देगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट स्टेशन। हम आगरा कैंट स्टेशन इसलिए आए हैं क्योंकि यहां से ताजमहल पास पड़ता है। दूसरा एक और स्टेशन है जिसका नाम है आगरा फोर्ट, लेकिन हम वहां इसलिए नहीं उतरे हैं क्योंकि वहां से ताजमहल की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम यहां से ऑटो लेते हैं और मैं फिर आगे आपको अपडेट करता हूं। तो ऑटो में बैठ गए हैं दोस्तों और यहां से जो ताजमहल तक का ऑटो का किराया है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोड व्यू शो करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो अब रेलवे स्टेशन से हम ऑटो लेके यहाँ ताजमहल देखने आ चुके हैं और ताजमहल के अंदर ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 1 किलोमीटर कवर करता है। यहाँ से आपको जो ताजमहल देखने जाना है उसके लिए आपको दो ऑप्शन है, या तो आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, और एक जगह शेयरिंग ऑटो भी चलता है जिसका प्राइस 20 रुपीज़ है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ लॉकर रूम, अमानती सामान घर। ये यहाँ से आप जो वे जा रहा है, कोई भी आपके पास बैग है, जैसे हम लोगों के पास बैग है, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, उनके पास बैग है तो हम लोग बैग वगैरह सबमिट करते हैं वहाँ पे। ये सामने लॉकर रूम है और इसी के सामने जस्ट बगल में पुलिस चौकी भी है। तो ये बैग सबमिट कर दिया हमने दोस्तों ये लॉकर में। इसका जो रिसिप्ट मिली है, यहाँ पे इन्होंने दो बैग के हमारे 60 रुपीज़ काटे हैं। 60 रुपीज़ का प्राइस है, और आपका सिंगल बैग है तो 40 रुपीज़ प्राइस है। उससे ज़्यादा बैग है तो और लेस हो जाता है उसमें, जितने ज़्यादा बैग बढ़ते हैं उतना वो लेस कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, एक काम हो गया। तो फ्रेंड ये देखिए, इसका हम टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका क्यू आर कोड। अगर आपको ऑनलाइन पे करना है तो आप ये QR कोड को स्कैन कीजिए और यहाँ से ऑनलाइन टिकट परचेस कर लीजिए। सिंपली अदर ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ आइए टिकट काउंटर पे। वैसे लोग मैक्सिमम जो है यूज़ करते हैं वो है ऑनलाइन, बिकॉज यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लाइन में आपको लगना पड़ेगा इसको सबमिट करने के लिए। तो हम इजीली ऑप्शन यूज़ करेंगे, हम ऑनलाइन पे करते हैं और 3 टिकट निकाल लेते हैं। तो ये है टिकट लेने के बाद, यह है टिकट लेने के बाद अंदर जाने का रास्ता। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम आ चुके हैं ताजमहल के जस्ट सामने, ये एंट्री गेट है इसका। तो ये वो लाइन है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ से व्यू को कैप्चर करेंगे जस्ट फॉलो करके स्ट्रेट, तो ताजमहल आपको जो है बड़े से छोटा होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए व्यू लेने की अच्छे से तरीके से, तो ट्राई करता हूँ। क्राउड बहुत है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर आ गया तो मैं अपलोड करता हूँ। मैंने जो टिकट लिया है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, तो ऑनलाइन टिकट जो मुझे है ऑनलाइन 135 का पड़ा है, 3 जनों का। हम 3 फ्रेंड्स आए हुए हैं, ये मेरा फ्रेंड है देव, मेरा भाई संगर, से हाय संगर। हेलो संगर। तो हम लोग 3 जने आए हैं साथ में, हम लोग तीनों ने टिकट लिए हैं, तो वो टोटल मुझे उसका प्राइस पड़ा है 135 रुपीज़ पड़ा। तो अभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये पीछे की साइड हम और पीछे की साइड बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग पागल हो रहे थे उस प्लेस के लिए कि हमें पिक खींचनी पिक खींचनी। तो हमने फटाफट जो थोड़ी बहुत पिक थी वो हमने खींची जैसे तैसे और हम आगे आ गए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से विजिट करेंगे। मैं जो भी हो सकता है जितना आपको बताऊंगा इसके बारे में। दिस इज़ अ फ्रंट व्यू ऑफ ताजमहल दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक है, तो आइए इसको आगे से विजिट करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सामने फुव्वारे दिख रहे हैं जो आपको, पानी तो नहीं है लेकिन ये फुव्वारे हैं, और गार्डन जो दिख रहे हैं इनकी भी हिस्ट्री है। ये जो फुव्वारे हैं इनकी टोटल जो काउंटिंग है वो फुव्वारों की 53 है, और जो गार्डन आप देख रहे हैं ये 16 है। इसको बोलते हैं कि 1653 में ये बना था, तो उसके लिए जो राजा थे अकबर, उन्होंने उसके उसकी मेमोरी में कि लोगों को याद रहे, तो 1653। तो ये वो बेंच है दोस्तों जिससे वो चोटी वाला पोज लेते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी लोग ताजमहल पर जाके वो चोटी वाला पोज लेते हैं ना, वही ये बेंच है। तो दोस्तों
दोस्तों ये है मेहमान खाना। शाहजहाँ के जो गेस्ट आते थे वो उनको यहीं ठहराते थे, और यहाँ से बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो वो गेस्ट जो थे वो उसके बाद ताजमहल यहाँ से विजिट करते होंगे, तो मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ। ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं दोस्तों, ये है यमुना रिवर। और दोस्तों ये जो आप सुरंग देख रहे हैं, ये सीधा निकलती है आगरा फोर्ट पे। और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है, लिखा है यहाँ पे पैसे मत डालिए, लोग यहाँ पे सिक्के डालते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मस्जिद, और यहाँ फ्राइडे के दिन नमाज होती है, शायद इसीलिए फ्राइडे के दिन ताजमहल क्लोज रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब आ चुके हैं म्यूज़ियम के पास। मैं इसको आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि अंदर जो है फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, फ़ोन नहीं आप क्लिक कर सकते, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं, आप फ्री में विजिट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है जल महल, ये जस्ट म्यूज़ियम के सामने है। पहले शायद इसमें पानी रहता होगा, अभी ये सूखा पड़ा हुआ है। अब हम जिस साइड हैं यहाँ पे है बना हुआ है वॉशरूम, क्योंकि टूरिस्ट आते तो उनके लिए वॉशरूम चाहिए। और इसके जस्ट इस साइड पे है शिशु देखभाल कक्ष, बेबी केयर रूम, जिनके बच्चे हैं वो यहाँ पे बेबी केयर रूम अवेलेबल है, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये साइड कॉर्नर जो आप देख रहे हैं 1x1 विंडो की तरह बने हुए हैं, यहाँ पे अदर सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनके पोस्टर्स फोटोज़ लगे हुए हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में दिया गया हुआ है अदर टूरिस्ट प्लेसेस। और आगरा है कुछ खाया नहीं दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है। आगरा से जस्ट आप बाहर निकलेंगे ताजमहल से, सामने आपको मिलेगा आगरा पूड़ी भंडार। जी हाँ, ये दाल वाली पूड़ी और प्लेन पूड़ी दोनों प्रोवाइड करते हैं, आप इनसे टोकन लेके दोनों में से किसी का भी आनंद ले सकते हैं। हमने दाल वाली पूड़ी ऑर्डर की क्योंकि प्लेन पूड़ी हम खाते रहते हैं। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, बहुत ही लाजवाब लग रही है देखने में। तो ताजमहल विजिट करने के बाद अब हम आ गए आगरा फोर्ट में, और मैं आपको आगरा फोर्ट अंदर से दिखाता हूँ। पहले हम इसका टिकट ले लेते हैं। इसका जो इंडियन टिकट प्राइस है वो है 50 रुपीज़, और अगर फॉरेनर आपके साथ हैं और फॉरेनर टिकट प्राइस इसका 600 रुपीज़ पर पर्सन है। तो जल्दी से टिकट लेके हम लोग अंदर विजिट करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है अकबर के बेटे जहांगीर का महल, जिसका बचपन का नाम सलीम था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये है दीवाने आम, यहाँ पर जनता का दरबार लगता था, राजा यहाँ बैठते थे, जनता की दरख्वास्त सुनते थे। तो सीढ़ियों से चढ़ के अब हम आ गए हैं ऊपर की साइड, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये जो सामने आप गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे पहले फिशिंग टैंक रखे जाते थे, जिसमें आमने सामने राजा और रानी फिशिंग करते थे लाइक अ कॉम्पिटिशन। और ये सामने जो आप पत्थर का सिंहासन देख रहे हैं, राजा यहाँ बैठ कर ताजमहल का दीदार करते थे, दीदार ताज। आइए मैं आपको थोड़ा सा दीदार ताज के दर्शन कराता हूँ। अब हम हैं दीवाने खास की तरफ, और राजा यहाँ बैठकर अपने मंत्री और संतरी के साथ खास विषय पर चर्चा किया करते थे। मीना मस्जिद के लिए कहा जाता है कि राजा जब यहाँ पे कैद थे तो यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। ये सामने आप जो देख रहे हैं, और ये है वो फाउंटेन जहाँ पानी निकलता था। यह है मुसम्मन बुर्ज, जहां औरंगजेब के द्वारा अपने पिता शाहजहां जी को 8 वर्ष के लिए कैद किया गया था। ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है, यहां पे ऐसी बहुत सारी विंडो हैं, और यहां पे हर विंडो से ताजमहल का दीदार होता है। और ये देखिए यहां पे रखा हुआ है सोमनाथ दरवाजा।
और ये डोली महल है दोस्तों, राजा की दो बेटियां थी, उन्होंने उनकी शादी नहीं की थी इसलिए उन्होंने उनके लिए डोली महल बनवाया था। ये दो हैं और एक जैसे ही हैं सेम। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है अंगूरी बाग। पहले यहाँ अंगूर हुआ करते थे। ये है तहखाना दोस्तों, जिसे फांसी घर भी कहा जाता था। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई पानी का फुवारा नहीं है, यहाँ से रोज वाटर निकलता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है रतन सिंह की हवेली जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सामने। और ये जो आप सामने आप देखेंगे, ये है मीना बाज़ार। यहाँ अभी बंद है, ये शायद पहले जो लोकल नॉर्मल बाज़ार लगती होगी लोकल लोगों के लिए, वो यहाँ लगती होगी। ये गेट इन्होंने बंद किया हुआ है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा सकता हूँ। ये है बाबली दीवाने आम। एक्चुअली में ये एक कुआँ है और ये अभी बंद किया हुआ है, बट इसके अंदर सुरंग्स हैं और बहुत सारे दरवाजे भी हैं जो शायद कहीं और खुलते होंगे। ये है जॉन रसेल काल्विन की कब्र, जो अंदर ही है, क्योंकि शायद ही बताते हैं लोग कि ये अंदर ही मर गए थे, तो इनको बाहर न ले जाके अंदर ही इनकी कब्र बना दी गई। ये सामने है खास महल, सीस महल। अब ये बंद हो चुका है क्योंकि हम लेट हो गए हैं दोस्तों, तो उन्होंने बंद कर दिया है, तो मैं आपको यहीं से बस दिखा सकता हूँ। तो ये गेट के पास है शुद्ध पेयजल, अगर किसी को प्यास लगी है पानी पीना है तो यहाँ पर उसका इंतज़ाम भी किया गया है। और यहाँ बाहर की साइड है वॉशरूम, लेडीज़ एंड जेंट्स।